नमस्कार, टेक्स्ट्रा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हीना। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। महानगर पालिका ने आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा, स्ववासियों को ताजा हवा मिले इसलिए कवायद शुरू की है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत गुरुवार को पालिका में हुई बैठक में रोड मैप तैयार किया गया। कपड़ा बाजार में अच्छी ग्राहकी निकली है। व्यापारियों को बाहरी राज्यों से बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन समय पर डिलीवरी पहुंचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट हाउसफुल होने का पार्सल रिटर्न की शिकायतें उठी है। प्रोसेसर्स द्वारा जॉब चार्ज बढ़ाए जाने से व्यापारी संस्थाएं और प्रोसेसर्स आमने सामने आ गए हैं। इस बीच कोयले की कीमतों में 20% की गिरावट आने का एक चैनल का स्क्रीनशॉट व्यापारियों में वायरल हो रहा है। इस मैसेज को व्यापारियों द्वारा मिलों को भेजा जा रहा है। जीएसटी काउंसिल हाल में ही हुई बैठक में केंद्र सरकार ने 20 जनवरी से टेक्सटाइल क्षेत्र से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हटाने का फैसला किया है। द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की व्यापारियों के साथ एक ऑफलाइन और ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई है। उधना में एम्ब्रॉयडरी मटेरियल्स का कारोबार करने वाले राजस्थान व्यापारी के आत्महत्या के प्रयास के मामले में डिंडोली पुलिस के फाइनेंसर को गिरफ्तार किया गया है। व्यापारी ने ब्याज से 3,13,000 रुपए चुका दिए थे, इसके बावजूद फाइनेंसर और रुपये की मांग कर धमकी दे रहा था। कपड़ा बाजार में जालसाजी का दौर यथावत है। रिंग रोड के अभिनंदन और राधे टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारियों ने कपड़ा दलाल के साथ मिलकर व्यापारी को 36,08,870 रुपए का चूना लगाया और दुकान बंद कर पलायन किया। गुड़ागाम के सरगम पार्क सोसाइटी निवासी समरुद्र सिंह अमर सिंह राठौर साड़ियों का जॉब वर्क का कार्य करते हैं। 20 अक्टूबर को दिन दहाड़े चोर ने समुद्र सिंह के मकान को निशाना बनाया और आभूषण तथा नकद सहित 1,65,000 की चोरी कर फरार हो गया। पानीपत में एक बार फिर आग ने तांडव मचाया है। जाटल रोड पर चौधरी अस्पताल के सामने यूनाइटेड एक्सपोर्ट में आग लगी। पीपल वाली गली और सैनी पूरा कॉलोनी को खाली करा दिया गया है। करीब 500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोस ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में 100 अरब डॉलर के कपड़ा निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। कहा, सरकार ने अगले 5 वर्षों में 100 अरब डॉलर के कपड़ा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन दिनों बिहार की यात्रा पर है। पटना साहिब स्थित विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खादी मॉल भी गए। यहां से उन्होंने कुर्ता पायजामा के लिए कपड़े खरीदे। तो आज की सुपरफास्ट खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि सारी टेक्सटाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।